जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर दादू दयाल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो जो कवि दादू दयाल हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो देख लेते हैं आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। उससे पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, और जो चैनल पर पहली बार आए तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वह आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि दादू दयाल का जन्म कब हुआ, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दादू दयाल का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि 1544 ईस्वी। 1544 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर होगा। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ, देखिए अभी पूछा था कि दादू दयाल का जन्म कब हुआ, तो 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ ये बताना है, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, अहमदाबाद गुजरात आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीन पूछा है कि दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की, ये आपके लिए बताना है, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, परब्रह्म संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय। तो दादू दयाल ने जो परब्रह्म संप्रदाय है इससे की स्थापना की थी किसने, दादू दयाल ने। क्वेश्चन नंबर चार पूछा है कि दादू का संप्रदाय परब्रह्म संप्रदाय किस नाम से लोकप्रिय हुआ है, क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर बताना है, तो आपका यहां पर सही आंसर है कि दादू का परब्रह्म संप्रदाय जो है ये किस नाम से लोकप्रिय हुआ, तो आपका राइट आंसर है दादू पंथ। दादू पंथ विकल्प नंबर आपका जो यहां पर सी दिया है वह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर पाँच यहाँ पर पूछा है कि किन आलोचकों के अनुसार दादू दयाल मुसलमान थे, ये बताना है वह कौन से आलोचक थे जिन्होंने दादू दयाल को मुसलमान माना है, तो ये यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी, यानी कि आ और बा दोनों, यानी कि क्षिति मोहन शर्मा और चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी, इनके अनुसार दादू दयाल मुसलमान थे। क्वेश्चन नंबर छः पूछा है कि दादू दयाल का लालन पालन किसने किया है, ये क्वेश्चन नंबर छः पूछा है, और छः का सही आंसर होगा कि लोदीराम ब्राह्मण जो है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक वह आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर सात पूछा कि दादू पंथ का प्रमुख केंद्र है नरेना जयपुर, टोंक या सांभर जयपुर या नाथद्वारा, तो दादू पंथ का प्रमुख केंद्र बताना है, तो इनका जो प्रमुख केंद्र था सांभर जयपुर आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। दादू ने भक्ति की साधना कहाँ से शुरू की, क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर बताना है कि दादू ने भक्ति की साधना जो है कहाँ से शुरू की, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर है सांभर जयपुर आपका विकल्प नंबर जो सी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नौ पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दादू दयाल के गुरु कौन थे, नाभादास, कबीर, कमाल या बुड्ढन, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नौ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताना है कि दादू दयाल के गुरु कौन थे, तो कबीर आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। दादू दयाल के कितने शिष्य थे, क्वेश्चन नंबर दस का राइट आंसर बताना है, तो दादू दयाल के कितने शिष्य थे ये पूछा है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि दादू दयाल के 152 शिष्य थे, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है दादू दयाल ने कितने शिष्यों को 52 स्तंभ कहा है, कितने शिष्यों को 52 स्तंभ कहा है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन कि 52 शिष्यों को ही 52 स्तंभ कहा है दादू ने, तो विकल्प नंबर एक आपका यहां पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संप्रदाय का सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है, किस संप्रदाय का सत्संग स्थल जो है अलख दरीबा कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर आपका बी, यानी कि पर ब्रह्म संप्रदाय आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर कि दादू की रचनाओं का संग्रह हरडे वाणी नाम से किसने संकलित किया है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए, दादू की रचनाओं का संग्रह हरडे वाणी नाम से किसने संकलित किया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी, दादू के शिष्य सुंदरदास और जगन्नाथ ने, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह अंबवधु नाम से किसने संकलित किया है, दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह अंबवधु नाम से किसने संकलित किया है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, चार विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और दादू के शिष्य सुंदरदास और जगन्नाथ ने यहाँ पर जो है यहाँ पर
इनकी अंगबधु नाम से संकलित किया था इनकी रचनाओं को दादू दयाल की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि दादू पंथियों के अनुसार दादू दयाल के गुरु कौन थे। तो देखिए अभी पूछा था रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, अब पूछा कि दादू पंथियों के अनुसार दादू दयाल के गुरु कौन थे। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है बुड्डन, विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है किस इतिहासकार ने लिखा है रज्जबदास निश्चित ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे, उनकी कविताएं भाव संपन्न साफ और सहज हैं। ये आपको बताना है किस इतिहासकार ने लिखा है, तो यह लिखा है किसने लिखा है, तो आपका राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह लिखा है कि रज्जबदास निश्चित ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दिया गया है, देखिए दादू दयाल की रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किसने किया है, तो नरोत्तम स्वामी, जगन्नाथ दास, परशुराम चतुर्वेदी या सुंदर दास। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर बी परशुराम चतुर्वेदी आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि सबंगी रचना किसकी है, ये आपको बताना है, तो यहाँ पर ध्रुवदास, जगन्नाथ या फिर रज्जब या सुंदरदास। तो क्वेश्चन नंबर अपना 18 है और 18 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि रज्जबदास की ये रचना मानी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु तब ही चले कबीरा साधु, पंक्ति के रचनाकार कौन है, ध्रुवदास हैं, जगन्नाथ दास हैं, दादू दयाल हैं या फिर सुंदर दास हैं। तो ये जो पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति पूछी गई हो जिसके रचनाकार माने जाते हैं दादू दयाल, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, पंक्ति के रचयिता कौन है, ध्रुवदास हैं, जगन्नाथ दास हैं, दादू दयाल हैं, सुंदर दास हैं। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह दादू दयाल माने जाते हैं, तो विकल्प नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार अपन ने यहां पर देखे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दादू दयाल से संबंधित। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय हिंद।